अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कुकिंग की वीडियोस पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्विक रेसिपी बताऊंगी चिकन नगेट्स के, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत यमी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे बोनलेस, उसके लिए चाहिए होगा जो कि मैंने ले लिया है 900 ग्राम। बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं ये नगेट्स और बहुत ईजी हैं। इसमें हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइस, सब कुछ हम डाल के इसको कर लेंगे चॉप। सोया सॉस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साल्ट लिया है एज रिक्वायर्ड, ग्रीन चिली लेंगे हम ज़रा थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे ताकि थोड़े से मज़ेदार किस्म के बन जाए। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून, और मस्टर्ड पाउडर वो भी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे एक अंडा, एग बीट कर लिया था मैंने, ये बीच में डाल देंगे। बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है ये, आप इजीली घर में बना सकते हैं, और हम इसे चॉप फ्राइज कर लेंगे। That's it. आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन सा चॉप हो गया। अब हम इसके इसको नगेट्स के शेप देंगे। कर दिया, इसको अच्छी तरीके से बीट करते हैं, ऑयल हैप पे लगाएंगे ताकि हमारे हाथ के साथ ये ना चिपके, अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लेते हैं हाथ की। ये मैंने ब्रेड क्रम लिया, ब्रेड क्रम मार्केट से मिल जाता है और आप चाहें तो बना भी सकते हैं, खुद भी ब्रेड क्रम बना सकते हैं। ये देखें छोटे छोटे हम बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये फूल जाएंगे। ये देखें कोई भी शेप दे दें इसको। सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम में रख देंगे। 2-3 होते हैं तो फिर मैं उसके अंदर ब्रेड क्रम भी लगा ऐड कर दूंगी। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही यमी से बनेंगे ये। वैसे आप ब्रेड राइस के साथ ये ले सकते हैं, शाम की चाय के साथ ज़रूर खाएं। देखें कितनी जल्दी बन गया है ना। थोड़ी सी मेहनत से हम साफ सुथरी चीज़ खुद घर में तैयार कर सकते हैं ना। हम इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, इस रो में बना के हम फ्रीज कर लेंगे और जब टाइम हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इस टाइम जो मेहमान आए उसी टाइम ही आप
फटन रेडी कर लीजिए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा हो, ये ब्रेड क्रम जो है मैंने मार्केट से लिया है। अब इसे मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। मैक्सिमम हाफ आवर रख दीजिए और इसी स्टेप पे आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल सिंपल सी, बहुत छोटी छोटी सी रेसिपी ज़रूर बना के दूंगी। आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस वाकई में बहुत पसंद आ रही हैं। ये देखिए मैंने बना लिए नगेट्स, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज फ्लेम पे नहीं करेंगे, लाइट से फ्लेम में डीप फ्राई कर लेते हैं। हम इसे फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे, बहुत यमी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत सिंपल सी इसमें रेसिपीज़ हैं। जी ऑयल कभी भी ज़्यादा यूज़ मत करें, बार 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 बार, वो हमारे ये बहुत नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फूल रहे हैं ना। अगर हम इसकी आंच ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें इनको टोटल कुक करना है। टोटल कुक करने के लिए हमें इसे लाइट फ्लेम पे ही पकाना पड़ेगा। ये देखें बहुत तेज़ी से ये ब्राउन भी होना स्टार्ट हो गए हैं और आप देखें किस तरीके से ये फूल रहे हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। हमने कितने साइज़ को साइज़ के बनाए थे, बिफ़ोर एंड आफ्टर आप खुद ही इसका डिफरेंस देख सकते हैं। बस ये दरमियान से सेंटर से थोड़े से हो जाएं और फिर ये रेडी है ना। बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जी इसके साथ वेजिटेबल राइस बनाए हैं, ये देखते हैं तैयार हो गए बहुत ज़बरदस्त से। आप जिस तरह चाहें बना सकते हैं, मेरे तो वेजिटेबल राइस रेडी हो गए हैं और साथ साथ मैं जो फ्राई भी कर रही हूँ। देख सकते हैं कि नगेट्स रेडी हो गए हैं, मैं वेजिटेबल के साथ बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।